आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रभारी सुरजीत सिंह चड्ढा के नेतृत्व में व ब्लॉक अध्यक्ष संजय बाकलीवाल के मार्गदर्शन में लोकप्रिय जननायक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सांसद श्री राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर वार्ड नंबर 69 के अंतर्गत राजमोहला जोन के शहीद भगत सिंह उद्यान में 11 फलदार व छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। श्री गांधी का जन्मदिन कोरोना काल में हुई अकाल मौतों के कारण अत्यंत ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनवरी 2020 में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की सुनामी आने की बात केंद्र सरकार तक पहुंचा दी थी, किंतु उस समय मोदी सरकार एवं उनके मंत्रियों ने राहुल गांधी की बात का मजाक उड़ाया था। यदि उस समय श्री गांधी की बात पर गंभीरता से विचार कर लिया जाता तो कोरोना के कारण भारत की आज इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। कार्यक्रम संयोजक कांग्रेस नेता घनश्याम जोशी ने बताया कि इस अवसर पर वृक्षों रक्षति रक्षितः के संकल्प के साथ उद्यान में लगाए सभी वृक्षों के पुत्रवत रक्षा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शहीदों की पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष संजय बाकलीवाल, कार्यक्रम संयोजक इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम जोशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुर्शीद मंसूरी, शिव गुप्ता, धर्मेंद्र वाजपेयी, मधु भलिका, हंसराज भाटी, घनश्याम मित्तल, धर्मेंद्र गेंदर, भूपेंद्र तिवारी, दिनेश तंवर, अजय दीक्षित, विजय तिवारी, विवेक जोशी पिंटू, संजय जोशी सहित अनेक कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी उनका जन्मदिन पर्यावरण दिवस के रूप में 85 वार्डों में वृक्षारोपण करके मनाई जा रही है। आज इस कोविड काल के समय में ऑक्सीजन की कमी है तो पर्यावरण देखने में आता है कि आए दिन पेड़ कट रहे हैं। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया, हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने, कि हम जहाँ भी 85 वार्डों में जितने भी बगीचे हैं वहाँ जाकर वृक्षारोपण करेंगे और उनकी देखभाल भी करने का उन्होंने संकल्प लिया। गांधी जी हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और देश के नेता है। अभी आज मेरे हिसाब से मेरे देखते हुए पहली बार इतनी सादगी से राहुल गांधी जी का जन्मदिन पूरी कांग्रेस भारतवर्ष में मना रही है। उस सादगी का कारण है कि पूरा भारत में कोविड से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और देश में अभी शोक की एक माहौल है। इसको देखते हुए हमारे राहुल गांधी जी का जन्मदिन आज हमने पर्यावरण को लेके वृक्षारोपण किया है और इस वृक्षारोपण का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। जिस प्रकार अभी ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और वह कारण है कि पर्यावरण खत्म हो रहा है और इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आज पूरी कांग्रेस ने आदरणीय विनय बाकलीवाल जी शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा संकल्प लिया है कि आज हम यहाँ पौधारोपण करेंगे और इस पौधारोपण की जवाबदारी सबने ली है और आज 85 वार्ड में आदरणीय बाकलीवाल जी विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण हो रहा है। ये अनूठा कार्यक्रम है और आज ना तो कोई केक कटेगा ना कोई जन्मदिन मनेगा, इस कार्यक्रम में सिर्फ सादगी से मना रहे हैं कोरोना को देखते हुए। हमारे साथ हमारे आज इस वृक्षारोपण के जो करता है श्री घनश्याम जोशी जी मौजूद हैं, धर्मेंद्र वाजपेयी जी मौजूद हैं, खुर्शीद मंसूरी जी मौजूद हैं, यूनुस पाल मौजूद हैं और सभी हम कांग्रेस जन्य वार्ड क्रमांक 69 के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज सबने संकल्प लिया है कि जिन जिन ने पौधे रोपे हैं वो उसकी देखभाल करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सांसद व लोकप्रिय जननायक इस देश के नेता और युवाओं की आवाज़ राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है जो आज कांग्रेस बड़े सादगी से मना रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में हमारे देश के करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है और शासन प्रशासन ने छिपाया है, लाशों को गंगा में बहाया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी के कारण ये मौतें हुई है। ये मोदी का कुशासन था जिसके कारण आज कोरोना काल आया। हमारे देश के लोकप्रिय युवा नेता राहुल गांधी जी ने 2020 जनवरी और फरवरी में देश को सचेत किया था कि कोविड का सुनामी आ रही है, परंतु नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की सरकार के मंत्रियों ने और उनके प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी जी की हंसी उड़ाई थी। परंतु आज उन्हीं की बात को लेकर जब उन्होंने ये कहा था कि मैंने चेतावनी दी थी और वही हुआ, तो वाकई में उनकी जो बात थी वो सिद्ध हुई, क्योंकि वो भविष्य के नेता हैं, वो पढ़े लिखे नेता हैं, जननायक हैं, वो दूरदृष्टि के नेता हैं। उन्होंने इस देश को सचेत किया था,
परंतु इस देश के कुशासन ने उनको हंसी मजाक में बना दिया था। और आज इस देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से और अन्य कमियों के कारण ये देश जूझता रहा, परंतु आज ये प्रशासन जो है, कुशासन जो है, ये फेल रहा, मोदी का प्रशासन फेल रहा। तो आज हमारे राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है, हमने उसको पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे जाबाज अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के निर्देश पर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संजय बाकलीवाल जी के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 69 के भगत सिंह उद्यान में आज हमने फलदार और छायादार 11 वृक्षों का पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में हमारे वार्ड के तमाम साथीगण उपस्थित हैं और उन्होंने सभी ने संकल्प लिया है कि जो आज यहाँ वृक्षारोपण किया गया है, उनकी देखभाल हम एक बच्चों की जैसी करेंगे। जैसे हमारे बच्चे होते हैं घर में, वैसे ही हमारे पौधे हैं। तो हमने आज ये संकल्प लिया है कि इस राहुल गांधी जी के आज के जन्मदिन को पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं।